देश के 14वें उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए संसद में मतदान जारी। हर घर तिरंगा अभियान के तहत छत्तीसगढ़ में चल रही है जोर शोर से तैयारियां। स्व सहायता समूह की महिलाएं तैयार कर रही हैं तिरंगे। देश में अब तक 2.5 अरब से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए। और विश्व स्तनपान सप्ताह के तहत राजनांदगांव जिले में चलाया गया जागरूकता अभियान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं गोपा सान्याल और अब समाचार विस्तार से। देश के 14वें उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए संसद में मतदान जारी है। मतदान आज सवेरे 10 बजे शुरू हुआ। नए उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए सबसे पहले वोट डालने वालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल हैं। मतदान शाम 5 बजे तक चलेगा। जगदीप धनखड़ एनडीए के उम्मीदवार हैं, जबकि विपक्ष ने मार्गरेट अलवा को अपना उम्मीदवार बनाया है। गौरतलब है कि भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से मिलकर बने निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के माध्यम से किया जाता है। संसद में कुल सदस्यों की संख्या 788 है, जिसमें से 543 लोकसभा के जबकि 233 राज्यसभा के सदस्य हैं। मतगणना मतदान के बाद संसद भवन में ही की जाएगी। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू का कार्यकाल इस महीने की 10 तारीख को समाप्त हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत इस स्वतंत्रता दिवस को यादगार बनाने के लिए लोगों को हर घर तिरंगा अभियान से जुड़ने का आह्वान किया है। इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ में भी लोग घरों में तिरंगा लगाने के लिए उत्साहित हैं। पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने हर घर तिरंगा अभियान के तहत अपने घरों में झंडा लगाने की अपील लोगों से की है। और हम सब मिलकर झंडा फहरा रहे हैं। झंडे को लेकर किसी प्रकार का विवाद जरूरत नहीं। वो भी फहराए, 15 अगस्त को हम भी फहराए, पूरा देश फहराए। जाति पंथ समाज सीमा से हटकर सबको ध्वजारोहण में हिस्सा लेना चाहिए, प्रभात फेरी में जाना चाहिए, वंदे मातरम बोलना चाहिए। इसमें छोटी मानसिकता लेकर काम क्यों कर रहे हैं? ये इतना बड़ा है, आज़ादी के 75वें वर्ष में अमृत महोत्सव मना रहे हैं तो खुशी से मनाएं। इसमें तेरा और मेरा क्या, ज़्यादा झंडा आप लगाओ हम लगा रहे हैं। सभी राजनीतिक दल का काम है, ये किसी का एक दल का काम नहीं है। मगर प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया है, उस आह्वान के साथ पूरा देश खड़ा हो रहा है। इधर महासमुंद जिला कलेक्टर नीलेश क्षीरसागर ने जिले के शासकीय भवनों में तिरंगा लगाने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। उन्होंने लोगों से अपील की है कि 13 से 15 अगस्त तक अपने घरों में हर घर तिरंगा अभियान के तहत राष्ट्रध्वज लगाएं। हर घर तिरंगा का अभियान मनाया जा रहा है। इसमें खासतौर पे हमारे सभी सरकारी स्थापनों में झंडा बंद होता ही है, उसके साथ हमारे सभी लोगों के घर पे भी और बाकी कुछ स्थापन पे भी झंडा लगाना है। इसमें 11 तारीख से हर घर झंडा अभियान रहेगा। इसके लिए जिला प्रशासन द्वारा पूरी व्यवस्था की जा रही है। जिला प्रशासन ने महिला स्व सहायता समूहों को तिरंगा झंडा बनाने की जिम्मेदारी दी है। इस कार्य में लगी महिलाओं ने बताया है कि उन्हें झंडा बनाने से आमदनी भी हो रही है, साथ ही उनमें रोजगार के साथ आजादी का अमृत महोत्सव मनाने का उत्साह दोगुना हो गया है। 75 साल जो सरकार मना रहे हैं इसके तहत बहुत ही अच्छा है, क्योंकि साथ साथ हमें रोजगार भी मिल रहा है और जागरूक भी कर रहे हैं कि हर घर हर स्व सहायता समूह और अदर भी हर घर अपने घर में झंडा फहराएं। अमृत उत्सव 75 साल कंप्लीट हुई, उखर कारण हर घर मनाया जाए। ये झंडा हमन बना थन कि हमारे देश का आजाद हो गए, तो इसका कारण नहीं है हमन ला ये झंडा बना के आधार देख रहे सकते हमन बना थन और हर घर लहरावा इस देख। इसी तरह प्रदेश के सभी जिलों में स्व सहायता समूह की महिलाएं झंडा बनाने का कार्य कर रही हैं। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत छत्तीसगढ़ में 11 से 17 अगस्त तक स्वतंत्रता सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने हमर तिरंगा अभियान के तहत लोगों को अपने घरों, प्रतिष्ठानों और सार्वजनिक स्थानों में तिरंगा फहराने की अपील की है। हमारा तिरंगा हमारी आन बान और शान है। मैं हर छत्तीसगढ़िया नागरिक से अपील करता हूँ, वे भी स्वतंत्रता सप्ताह के दौरान अपने घरों में, दुकानों में, संस्थानों में राष्ट्रीय ध्वज फहराकर हर घर तिरंगा कार्यक्रम को सफल बनाएं और छत्तीसगढ़ को पूरी तरह तिरंगामय कर दें और देश में छत्तीसगढ़ का मान बढ़ाना है। जय हिंद, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। प्रदेश के सभी जिलों में हमर तिरंगा अभियान के तहत स्कूलों में विद्यार्थी प्रभात फेरी निकालकर लोगों को घरों में तिरंगा लगाने के लिए प्रेरित करेंगे। देश में अब तक 2,05,00,00,000 से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। कल 27,42,000 से अधिक टीके लगाए गए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि 1,02,00,00,000 से अधिक पहली डोज और 93,50,00,000 से अधिक दूसरी डोज लगाई गई है। वहीं 10,32,00,000 से अधिक एहतियाती टीके लगाए गए हैं। 12 से 14 वर्ष आयु वर्ग को 6,79,00,000 से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। इधर छत्तीसगढ़ में अब तक 4,54,00,000 से अधिक वैक्सीन लगाए जा चुके हैं। इसमें 18 साल के अधिक उम्र के लोगों को 2,00,00,000 से ज्यादा प्रथम डोज और 1,80,00,000 से ज्यादा दोनों डोज लगाए गए हैं। इसी तरह लगभग 35,65,000 से ज्यादा बूस्टर डोज भी लगाए जा चुके हैं। वहीं प्रदेश में 10,248 सैंपलों की जाँच की गई, जिसमें से 435 व्यक्ति कोरोना संक्रमित पाए गए। वर्तमान में प्रदेश में कोरोना के 3,513 सक्रिय मामले हैं। प्रदेश में औसत पॉजिटिविटी दर 4.24% है। प्रदेश में विश्व स्तनपान सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है। इसके तहत स्तनपान के प्रति माताओं को प्रेरित किया जा रहा है। राजनांदगांव के पेंड्रे स्थित नर्सिंग कॉलेज में आयोजित विश्व स्तनपान जागरूकता सप्ताह के दौरान महिलाओं को बच्चों में होने वाले कुपोषण के प्रति जागरूक किया गया। नर्सिंग कॉलेज की व्याख्याता साइनी सजू ने बताया कि कार्यक्रम में महिलाओं को स्तनपान के विषय में महत्वपूर्ण जानकारियां दी गई। विश्व स्तनपान सप्ताह जो है प्रतिवर्ष 1 अगस्त से 7 अगस्त तक मनाया जाता है। ये 1992 से स्टार्ट हुआ है, WHO यूनिसेफ के कोलैबोरेशन से स्टार्ट हुआ था। ये माँ का दूध जो है वो अमृत के तुल्य है और ये सर्वश्रेष्ठ आहार है और उसकी जो तुलना में, उसके जो कंपैरिजन में कोई भी जो आहार है वो हो ही नहीं सकता है। और चाहे कोई भी संक्रमण क्यों ना हो, चाहे कोई भी बीमारी क्यों ना हो, कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो, हर एक माँ को अपने नवजात बच्चे को दूध पिलाना अनिवार्य है। गौरतलब है कि प्रदेश के अन्य जिलों में भी विश्व स्तनपान सप्ताह के तहत जागरूकता के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। विश्व स्तनपान की शुरुआत WHO ने वर्ष 1992 से की है। बस्तर टाइगर के नाम से जाने जाने वाले प्रदेश के पूर्व मंत्री महेंद्र कर्मा के जीवन पर आधारित पुस्तक बस्तर टाइगर का विमोचन रायपुर में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किया। लेखिका प्रीति उपाध्याय और कुणाल शुक्ला ने इस किताब को लिखा है। उन्होंने बताया कि महेंद्र कर्मा का साहित्य के प्रति काफी लगाव था। महेंद्र कर्मा लोकतंत्र के बारे में क्या सोचते थे, महेंद्र कर्मा कैसे बस्तर का विकास चाहते थे, आदिवासियों का वह कैसा डेवलपमेंट चाहते थे, उन्होंने इसके लिए क्या प्लान किया था, वह इसके पाठकों को जानने मिलेगा। और सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है, मुझे महेंद्र कर्मा इसलिए भी पसंद थे और आज हैं क्योंकि उनकी निष्ठा लोकतंत्र के मंदिर के प्रति थी, उनकी निष्ठा भारतीय संविधान के प्रति थी और वह गांधी और नेहरू की विचारधारा से प्रभावित थे और वह ऐसी जगह पे उन लोगों से लोहा ले रहे थे, उन नक्सलियों से लोहा ले रहे थे, अहिंसा अहिंसा के जरिए जो लोग बातें किया करते थे कि क्रांति जो है वह बंदूक की गोली से निकल कर आती है। इस अवसर पर पाठ्यपुस्तक निगम के अध्यक्ष शैलेश नितिन त्रिवेदी ने कहा कि शहीद महेंद्र कर्मा ने आदिवासियों के कल्याण के लिए अनेक कार्य किए। शहीद महेंद्र कर्मा के जीवन पर लिखी एक बहुत ही उत्कृष्ट किताब का विमोचन हुआ है। आज इस अवसर पर उनके पुत्र शवींद्र कर्मा ने जिन शब्दों में बात कही, हम सब की आंखें
नम हो गई। हम सब उन्हें स्मरण करते हैं और विनम्र श्रद्धांजलि भी उन्हें अर्पित करते हैं। पुस्तक विमोचन के अवसर पर महेंद्र कर्मा के पुत्र छविंद्र कर्मा समेत राजनीति और साहित्य से जुड़ी कई बड़ी हस्तियां मौजूद थीं। रक्षाबंधन का त्यौहार 11 अगस्त को मनाया जाएगा, इसे लेकर तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। प्रदेश भर की स्व सहायता समूह की महिलाएं विभिन्न तरीके से राखियां बनाने का कार्य कर रही हैं। जांजगीर चांपा जिले के बहेरा डी की महिलाएं 10 अगस्त को प्राकृतिक तरीके से राखी का त्यौहार मनाएंगी। इस दिन वे पेड़ों में राखियां बांधकर पर्यावरण संरक्षण का संदेश देंगी। समूह की महिलाओं ने बताया कि वे पिछले साल भी इस तरीके से रक्षाबंधन मनाकर पर्यावरण संरक्षण करने का संदेश दे चुकी हैं और लोगों को पर्यावरण बचाने के लिए जागरूक भी कर रही हैं। हमारे बहराडी गांव में हमन जो हमारी भाजी है, अलसी है, केला का रेशा है और कमल फूल का डंठल के रेशा निकाल के हमन जो राखी बनाए हमन ओला हमन 10 तारीख के हमन जो राखी त्यौहार 11 तारीख के वो हमन 10 तारीख के हम मनाबो। अब जितका पेड़ पौधा है ओमा हम सब महिला मन मिल के हमन राखी बांधबो, हमार भाई मतलब फिर बाद में बांधबो। और 11 तारीख के राखी है, 10 के हन बहुत है, 80 जन तो हन समूह के पूरा महिला हन और बाहर से भी यही पूरा सब महिला राखी बांधवन पर्यावरण ला बचाए और खुद हन पर्यावरण पेड़ लगा था ना पेड़ ला बचाए भी बोलथन। और 10 तारीख के राखी बांध में सब भाई समाज भाई के समाज पहली है भाई से ज़्यादा महत्व पर्यावरण ला देते हैं का पर्यावरण रही तभी तो हमन ऑक्सीजन से पावन हमारे मिल ही सब जो पेड़ पौधा है ओमा राखी बांधबो। ओकर बाद हमन अपन भाई के कलाई में राखी बांधबो और सब महिला मन पेड़ पौधा लगाबो और बचाबो पेड़ पौधा लगाबो और जे महामला हवा पानी मिले शुद्ध। इन महिलाओं ने कमल के डंठल, सब्जी भाजी के रेशे और अवशेष से प्राकृतिक राखियां बनाई हैं, जिन्हें वे पर्यावरण संरक्षण करने और पेड़ लगाने का संदेश देते हुए पेड़ों को राखियां बांधेंगी। दशकों आजादी के लिए भारत का शानदार संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। दूरदर्शन समाचार इतिहास की धारा बदलने वालों की झलक रोजाना आपके लिए लेकर आ रहा है। आज की कड़ी में हम राष्ट्रगुरु के रूप में प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी सुरेंद्रनाथ बनर्जी को याद कर रहे हैं। आज की कड़ी में हम स्वतंत्रता सेनानी सुरेंद्रनाथ बनर्जी का स्मरण कर रहे हैं। उनकी मृत्यु 6 अगस्त 1925 को हुई थी। राष्ट्रगुरु के रूप में लोकप्रिय बनर्जी ने 1876 में ब्रिटिश भारत में अग्रणी राष्ट्रवादी संगठन इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना की थी। सुरेंद्रनाथ बनर्जी का जन्म 10 नवंबर 1848 में कोलकाता में हुआ था। उन्होंने 1870 में भारतीय सिविल सेवा की परीक्षा उत्तीर्ण की लेकिन ब्रिटिश शासन ने उन्हें अयोग्य ठहरा दिया। इस फैसले के विरोध में मुकदमा जीतने के बाद सिलहट में सहायक मजिस्ट्रेट के रूप में उनकी नियुक्ति हुई लेकिन जल्द ही ब्रिटिश शासन ने उन्हें गलती का हवाला देते हुए बर्खास्त कर दिया और इस बार उनकी अपील को ब्रिटिश अदालतों ने भी खारिज कर दिया। इसके बाद बनर्जी ने इंडियन एसोसिएशन का गठन किया जो पहला अखिल भारतीय राष्ट्रवादी संगठन था। वे 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के तुरंत बाद उसके सदस्य बनाए गए। उन्होंने 1905 में बंगाल के विभाजन का मुखर विरोध किया। सुरेंद्रनाथ बनर्जी आंदोलन में सबसे आगे थे। उन्होंने पूरे बंगाल और भारत में विरोध प्रदर्शनों, याचिकाओं और व्यापक जन समर्थन का आयोजन किया जिसने आखिरकार अंग्रेजों को बंगाल के विभाजन के फैसले को वापस लेने पर मजबूर कर दिया। वे स्वदेशी आंदोलन की एक महत्वपूर्ण हस्ती थे। बनर्जी गोपाल कृष्ण गोखले और सरोजिनी नायडू जैसे भारतीय नेताओं के संरक्षक थे। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के अग्रणी नेता सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने 6 अगस्त 1925 को अंतिम सांस ली। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
देश के 14वें उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए संसद में मतदान जारी। हर घर तिरंगा अभियान के तहत छत्तीसगढ़ में चल रही है जोर शोर से तैयारियां। स्व सहायता समूह की महिलाएं तैयार कर रही हैं तिरंगे। देश में अब तक 2,05,00,000,000 से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए। और विश्व स्तनपान सप्ताह के तहत राजनांदगांव जिले में चलाया गया जागरूकता अभियान। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन यही समाप्त हुआ। नमस्कार।